यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 52,699 सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी इंतजार के बाद आज हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। मैं आपको बता दूं 15 जुलाई से फॉर्म पड़ने जा रहे हैं। 52,699 सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती, यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रवृत्ति बोर्ड 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती करने जा रहा है। प्रदेश पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती होगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक लिखित परीक्षा और भर्ती के संबंध से परीक्षा अन्य कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था के चयन की निविदा 15 जुलाई तक प्रकाशित की गई है। संस्था का चयन होने के बाद इस वर्ष के अंत तक लिखित परीक्षा कराई जाएगी। मैं आपको बता दूं दिसंबर नवंबर तक इनको परीक्षा करानी है। पुलिस कॉन्स्टेबल की काफ़ी छात्र छात्रा यूपी स्पेशल के लिए तैयार थे। मैं आपको बता दूं पहले 35,757 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन कार्यदायी संस्था का चयन न होने की वजह से पिछले 10 महीनों से इस संबंध में कार्रवाई शुरू नहीं हो रही थी। दो कंपनियों के भर्ती परीक्षा कराने में रुचि दिखाने के बाद अब 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती के संबंध में कार्रवाई आगे बढ़ाने की कार्यवाही शुरू हुई है। बीते नवंबर में सिपाही के 35,757 पद पर सीधी भर्ती के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने की निविदा जारी हुई थी। इसमें केवल टाटा ग्रंथी सर्विस TTS ने हिस्सा लिया था, इस वजह से निविदा निरस्त करनी पड़ी थी। बाद में नकल माफिया का सोलर गैंग की परीक्षा में सीधे मारी के डर के सीधे अपना ये टेंडर वापस ले लिया था। कोई टेंडर लेने के तैयार नहीं हो रहा था। मैं आपको बता दूं इसमें अभी 52,699 सिपाहियों की कॉन्स्टेबल की भर्ती है। उसके बाद यहाँ पे लगभग 8,500-9,000 यहाँ पे UPSI के दरोगा के पद भी देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं टोटल इसमें पिछली बार 23 लाख फॉर्म भरे गए थे। अब की बार मैं आपको बता दूँ यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल में 25,000 फॉर्म भरने की उम्मीद है, भर भी सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इससे कम तो मुश्किल है, ज़्यादा भी है। काफ़ी स्टूडेंट परेशान थे कि यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती कब आने वाली। तो मैं आपको बता दूं यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती 15 जुलाई से आपके फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं आप अगर तैयारी करते हो यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की तो लग जाइए, आप अभी से तैयारी करिए। अगर आप फिर बाद में तैयारी करते तो आपका सिलेक्शन रह जाएगा, लेकिन अगर आप अभी से लग जाओगे 1-2 महीने पहले से तो आप थोड़ा बहुत आगे निकल जाओगे और आप भी एक नौकरी ले सकते हो। किस्मत सबको मौका देती है, मैंने सबको चौंका देती है कहावत आप सुनी होगी। तो प्लीज़ अभी आपको किस्मत मौका दे रही है, 1 महीना है, 1 महीने में आप अभी अच्छा ग्रो कर सकते हो। उसके बाद सभी लोग तैयारी करेंगे, तब तक आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और आप भी एक नौकरी ले लीजिए। थैंक यू सो मच। और कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा।